जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में कितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिंस यूज़ होती हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी आसानी से हमें अवेलेबल होती हैं, और ऐसे में कई बार हम लोग बीमार पड़ने पर बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवाएं ले लेते हैं। अगर उन्हें एक बार उस दवा को लेने से हमें आराम आ जाता है तो हम बीमार पड़ने पर फिर से वही दवा खा लेते हैं। लोग गलत तरीके से दवाइयां खा लेते हैं, ऐसे में मनमर्जी से या फिर बिना एक्सपर्ट की सलाह के ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से उन्हें आगे चलकर किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, और आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक के ओवरडोज या मनमर्जी से दवा लेने पर उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। जब बाहरी बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उन बैक्टीरियों की वजह से हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तब उन बैक्टीरियों से लड़ने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए डॉक्टर हमें बीमारी के अनुसार एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं को खाने से उन बैक्टीरियों का असर हमारे शरीर में धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना या दुरुपयोग शरीर के नेचुरल बैलेंस को बाधित कर सकता है और शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एंटीबायोटिक ओवरडोज के सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या है। इसमें नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन शामिल हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आंत के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक के ओवरडोज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की समस्या हो सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होती हैं। यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दवाओं के लगातार संपर्क में आने से यह बैक्टीरिया अपने शरीर को इन दवाओं के समान ढाल लेते हैं। बैक्टीरिया खुद में म्यूटेशन करके खुद को मजबूत बना लेते हैं, उन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना लेते हैं जो इन्हें मारने के लिए बनाई गई हैं। ऐसा होने पर उन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है। इन्हें कभी कभी सुपर बग्स भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक से कई लोगों में एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस में हाइव्स, ईचिंग और स्वेलिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया जाए तो ये किडनी और लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनकी ओवरडोज लेने से हमें कन्फ्यूजन और हेलोसिनेशंस और सीजर्स जैसे सिम्टम्स शरीर में नज़र आ सकते हैं। ऐसे में हमेशा एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने से हमें बचना चाहिए। इसलिए एंटीबायोटिक्स को हमेशा ही डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार ही लें। मेडिसिन का कोर्स बीच में ना छोड़ें, और अगर किसी भी दवाई को लेने से आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करें। जिस तरह से एंटीबायोटिक्स आपका इलाज करती हैं, उसी तरह से एंटीबायोटिक्स आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।